जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। हरियाणा में कोई व्यक्ति दिखाई दिया है उनके साथ तो वो स्वयं रॉबर्ट जी हैं। तो कोई ये बतला दे कि गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट जी का वो चित्र क्या दर्शाता है। कांग्रेस दलित विरोधी है इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। जिस तरह से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर आए हैं जी, वो तीन जिलों में लगभग 12 जो सीटें हैं उनको कवर करेंगे और उनका कहना है कि वो अब डायरेक्ट जो है जनता के लोगों के जेब में पैसा डालेंगे। अच्छा मैम, राहुल की यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल है, उन्होंने सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि सीधा उनके खाते में पैसा, उनके जेब में पैसा डालेंगे वो। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः आपको बतलाया है कि अब तक हरियाणा के नागरिकों की जेब में भाजपा की सरकार द्वारा 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने ये वादे किए जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। अच्छा मैम, सवाल ये है, राहुल गांधी आज यात्रा पे, उन्होंने कहा है कि इस देश को अडानी चला रहे हैं और देश में 250 जो पूंजीपति हैं उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा हुआ नहीं। देखिए मैं तो इतना कहूंगी, मैंने संसद में भी इस विषय को प्रमाणित किया था कि अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति दिखाई दिया है उनके साथ तो वो स्वयं रॉबर्ट जी हैं। तो कोई ये बतला दे कि गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट जी का वो चित्र क्या दर्शाता है। मैं जवाब दे चुकी हूं अपना। अच्छा, कि अगर इतने ही वो करप्ट होते तो गांधी परिवार के ही सदस्य उनके साथ क्यों घूम रहे होते। अच्छा मैडम, चुनाव प्रचार पूरे चरम पर कोई है। और एक पूछ लें भाई साहब रिपोर्टर। हाँ जी मैम, कांग्रेस हरियाणा के लिए 2,00,000 रोजगार की बात करती है, उसके साथ एक और सवाल है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर कहते कि वो जब तक सत्ता से नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, कांग्रेस दलित विरोधी है इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। देखिए अगर आप हरियाणा में किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अब तक किसानों को हरियाणा में 12,500 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिल चुका है और कांग्रेस के कार्यकाल का अगर आप कॉम्पनसेशन देखें तो वो मात्र 1,100 करोड़ था। तो किसान का सच्चा हितेशी कौन? वो भारतीय जनता पार्टी जो 12,500 करोड़ रुपया किसान को देती है या वो कांग्रेस पार्टी जो 1,100 करोड़ रुपया और उससे एक रुपया ज्यादा किसान पर नहीं खर्चती? दूसरा, अगर आप एमएसपी का कंपैरिजन करें तो कांग्रेस के राज में गेहूं का एमएसपी 1,350 रुपया होता था 2013-14 में, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें तो 2024 में आपको 2,275 रुपए का एमएसपी गेहूं का मिलेगा। तो हितैषी कौन? वो भाजपा जो 2,275 रुपए एमएसपी का देती है या वो कांग्रेस पार्टी जो कम पैसा देती है और एमएसपी ऑपरेशन भी सक्सेसफुली नहीं करती है?